जय हिंद। आइए देखिए, हम लोग आज करेंट अफेयर टॉपिक में डिस्कस करेंगे भारत किस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से प्रगति उन्नति के राह पर अग्रसर है और कैसे भारत अभी जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है टिल 2035 और 2037 इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, तो जिस प्रकार से इवन द कोविड-19 के बाद भी, इस कोरोना वायरस के बाद भी, इतने लॉकडाउन और इकोनॉमिक स्लो डाउन के बाद भी इंडिया स्टिल ग्रोइंग विद द हाईएस्ट और वर्ल्ड लार्जेस्ट जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.7 to 6.4, 6.5 or some one predict 6.9 or even 7%। तो इस रेट से हम जैसे बढ़ रहे हैं तो इससे यह अंदाज़ा लगाया गया है कि 2035 आते आते तक जो है भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगी। ठीक है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, देख लो भाई 2035 तक। ठीक है, तो ये भारत की उपलब्धि है और इसे जो है कह सकते हो कि और इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्टअप मिलेगा। CEBR की रिपोर्ट है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, इसकी रिपोर्ट आई है। ठीक है, इनका जो है एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल, ठीक है, जो बार्सर एक प्रकार से इनका मंथन और चिंतन शिविर कह सकते हो। इसमें यह प्रिडिक्ट किया गया है, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि भारत जिस प्रतिशत जिस जो है गति से अभी बढ़ रहा है और भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिस रेट से 6.5% के रेट से अभी जो बढ़ रहा है, यह लगातार जो है 5 साल आने वाले इसी जो है इकोनॉमिक रेट से और डेवलप होगा और लगभग 9 से 10 साल तक यह इसकी गति जो है लगातार बरकरार रहेगी। कहने का मतलब है वो आगे तीव्र गति से बढ़ती रहेगी। तो इससे यह प्रिडिक्शन किया गया है, CEBR की रिपोर्ट है सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च की, कि 2035 तक भारत जो है विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। वर्तमान में अभी भारत जो है इंग्लैंड को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बनी हुई है। ठीक है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा, शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर। जो बैलेंस ऑफ पावर, कभी ऐसा कहा जाता था कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है और वेस्टर्न नेशन, वो जो है तीव्र गति से बढ़ रहा है। पूरा का पूरा जो एक समय था कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कह सकते हो कि ग्रोइंग अगर कोई इकोनॉमीज था वो, तो वो कभी बेस्ट थी, तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन पे जा रही है। यूरोपियन कंट्रीज भी डिक्लाइन पे जा रही है और भारत जो है, कहने का मतलब ईस्ट जो है वह तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर, इससे बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट करेगा किधर, कभी बैलेंस ऑफ पावर पैसिफिक ओशन में था तो अब इंडियन ओशन में आएगा। ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन, 2023 में ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरी की पूरी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह रिसेशन में जाएगी। मंदी की दौर अभी चल रहा है, स्वाभाविक सी बात है। देखो चाइना में फिर से जो है, ठीक है, चाइना में फिर से जो है कोविड जो है रिटर्न हो चुका है, इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली पड़ेगा। सारा का सारा फ्लाइट वगैरह है सब उस पर फिर से जो है प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे ऑलरेडी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है रिसेशन में है, मतलब 2023 में भी रिसेशन में रहेगा। इसके कारण है कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं सभी देशों का, उसमें जो है हायर इंटरेस्ट रेट उसने बढ़ा दिया। आप लोग भी जैसे इंडिया का RBI जो है ना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हर जो है, तो मैं जो है इसको उसका मूल्यांकन करती है। इससे क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो बैंक वगैरह लोन जो लोन प्रोवाइड कराती है उसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलेगी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन और हाई इन्फ्लेशन हर जो है बढ़ जाएगी, जिससे चीज़ें वगैरह महंगा बिकने लगेगा। इससे लोग जो है अगर पैसे कम रहेंगे तो कंजम्पशन कम करेंगे, इससे है ओवरऑल इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व की चरमराएगी और डिक्लाइन होगी। लेकिन भारत के लिए जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट, भारत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भारत इससे छूता नहीं है, इस ग्लोबलाइज्ड और इंटरडिपेंडेंट और इंटरकनेक्टेड जो है वर्ल्ड में भारत जो है अकेले आइसोलेशन में नहीं हो सकता। लेकिन एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड, इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इतने अभी तीव्र गति से हम प्रगति कर रहे हैं। पहले तो भारत अपने आप में एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, तब तक चाइना को हम सरपास कर देंगे, चाइना से आगे निकल जाएंगे। दूसरा यह हो सकता है कि हमारे जो अभी पॉपुलेशन है वो पूरे के पूरे कह सकते हैं ना कि युवा पॉपुलेशन है, जो कि लग्जरी गुड हो गया या सिंपल अपने कंजप्शन के लिए भी गुड भी हायर यूज करता है। दूसरी बात है कि जो युवा पॉपुलेशन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी, मतलब वर्किंग फोर्स अधिक है, ठीक है, डिपेंडेंट फोर्स नहीं है। जैसे अगर अदर कंट्री में देखोगे तो एजिंग पॉपुलेशन है उधर,
मतलब वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे बर्डन है। अभी भारत जो है इमर्जिंग पॉपुलेशन है, मोर देन 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स, तो ये वर्किंग पॉपुलेशन है। आने वाले 10-20 साल में वो जो और जो कह सकते हो कि 40 से 60 साल की उम्र में होंगे, तो और वर्किंग पॉपुलेशन और कह सकते हो कि 25 से 60 साल की उम्र तक वो काम करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं। दूसरी बात है कि हर जगह कोरोना का तो इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन भारत में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री कम हुए हैं। इसलिए देख रहे हो भारत में नए नए इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर बढ़े हैं, नए नए स्टार्टअप, ठीक है, कई एक जो है आप देखोगे ऐसे ही स्टार्टअप जो बिलियनेयर और मिलियनेयर बन गए हैं, तो उनके बारे में आप सुनते हो। तो ये सब जो है फैक्टर है भारत की तीव्र गति से इकोनॉमिक प्रगति के, और साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि पॉलिटिकली अगर स्टेबल कोई गवर्नमेंट होती है तो अच्छे अच्छे पॉलिसी लाती है, और अभी एनडीए की जो गवर्नमेंट लीड कर रही है तो एक प्रकार से स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराई है, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म हो, जीएसटी हो, ठीक है, सिंगल विंडो सिस्टम हो, एंड देयर वर मेनी रिफॉर्म्स, चाहे रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस वगैरह में रिफॉर्म, तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं पर जिन गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट और एफडीआई वगैरह भी अधिक बढ़ रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूलें, झट से लाइक करें, फट से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।